Okay, start it once again. So I was just sharing a joke with Som. Yeah. And that goes like, ये जो रोज सुबह उठ के तुम भगवान को याद करते हो, सोचो सुबह अगर किसी दिन भगवान ने याद कर लिया तो क्या होगा? Thank you so much, guys. That was a nice one. Some part of it, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कि almost एक sea level से I'm not sure कितना ऊपर है ये, but हमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे Mount Everest चढ़ रहा है, because we are doing it for the first time. And trust me, guys, for all this thing, I would recommend you to do it daily, because all of a sudden यहाँ पे आके करने का कोई मतलब नहीं बनता है. Oxygen level, absolutely, oxygen level बहुत जल्दी गिर जाता है, and that's the reason you know we are continuously taking deep breath. What say, Abhay? What are your views on this one? Yeah, I think we should have started this with Om Namah Shivaya. Absolutely, we did a big mistake. That would have the vlog should have been begin. But no worries. Now we have begun this. We're going to end this. Khatam to karna hai. Let's see how we reach there and the feeling from there. Okay, so हम लोग और कुछ कुछ ही टाइम बचा हुआ ऊपर एकदम ऊपर टॉप क्लिफ पे जाने के लिए, तो क्या कहना चाहोगे आप, कैसा लग रहा है अभी तक? अभी थोड़ा रेस्ट हम लोगों ने ज़्यादा ले लिया है, तो आई गेस वी कैन गो अप. थोड़ा रेस्ट लिया है, आईज हो गए हैं, थोड़ी सी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई है, और ये थोड़ा सीनरी देख के भी कामनेस आ गई है, बहुत कामनेस आ गए. तो आपको आप लोगों को रियर कैमरा में दिखाएंगे और हमारे फ्रेंड बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या है. सो लेट्स मूव द कैमरा. तो हालांकि ये अगले पहाड़ी पे है जो आप देख रहे हैं, ये सामने गणेश टेम्पल है, गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है वहाँ पे. और ये जो एरिया है इसको सोमटने बोलते हैं यहाँ के लोग, सोमटने का ये एरिया है. आपको कम जूम करके दिखाऊंगा तो काफ़ी दूर है ये दूसरे पहाड़ी पे, और ये पूरा सोमटने का एरिया है. यहाँ से मूव करते हुए जो आगे का एरिया है जहाँ पर बस आपको छोटी छोटी बिल्डिंग दिखती है, यहाँ से वो तलेगांव और चाकन का एरिया है. अगर मैं आपको एकदम सामने दिखाऊं तो ये तलेगांव देव रोड बेगड़ाड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एरिया है. यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये पूरा आर्मी एरिया है सामने हमारे. आगे यहाँ पे थोड़ा अगर मैं और आपको जूम करके दिखाऊं बीच में, तो इंद्रायणी नदी भी है यहाँ पे बीच में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बिल्कुल बीच में से जा रही है. और आगे देहू का एरिया है जिसको संत तुकाराम महाराज की वजह से काफ़ी फेमस है वो एरिया देहू का. और ये जो हम पहाड़ पे हैं जैसे अभी वो एरिया. Yeah, we'll slow down, we'll slow down. Coming almost the second time this month. Stop coming to this place and I'm absolutely ready. Yeah.
कैप्चर चल रहा है पर हमारी सांसें फूल रही हैं. It's not easy. Can I take a stop? I think we have to. Got no choice. थोड़ा ऊपर जाकर रुकते हैं. You would have got your sports shoes. रुकना नहीं चाहते थे पर रुकना पड़ा क्योंकि हालत थोड़ी सी टाइट हो गई है. तो हम लोग बैठ के कुछ ऐसा डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे सिमिलर प्लेसेस और कहाँ कहाँ है जहाँ हम लोग जा सकते हैं या फिर जो हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं वो अभय आपको बताएंगे. तो अभी जो हम लोग जगह पे हैं वो भेगड़ेवाड़ी है. यहाँ से मेरे घर के तरफ जब जाएंगे तो उससे थोड़ा और आगे एक 10-15 किलोमीटर और आगे मलवली करके एक जगह है जहाँ पे ऐसी काफ़ी सारी जगह है क्योंकि ये लोनावला के आसपास का जो एरिया है ये पहाड़ों से भरा हुआ है. सो एक्चुअली लोनावला हिल स्टेशन था ब्रिटिश एरा में. तो लोग यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने आते थे. अब भी आते हैं बॉम्बे से लोग काफ़ी आ जाते हैं हर वीकेंड पे सैटरडे संडे एंजॉय करने के लिए थोड़ी सी नेचुरल हवा जो है विदाउट पोल्यूशन की उसका मज़ा लेने के लिए. उसके अलावा मैं जगह बताना चाहूँगा मलवली में 2-3 जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं. तो लोहगढ़ एक जगह है उसमें से जो कि किला है छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से काफ़ी फेमस है लोहगढ़ किला. उसके बाजू में वीसापुर करके भी एक किला है. तो दोनों ही काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लाइम होंगे अगर कोई क्लाइम करना चाहेगा ओवर द वीकेंड तो इंटरेस्टिंग क्लाइम्स है. और लोहगढ़ में आपको इस तरह की सीढ़ियाँ मिल जाएंगी आप जल्दी जल्दी लोहगढ़ क्लाइम कर सकते हैं. पर वीसापुर अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से आपको जो मेरे बाजू में एक रॉक है वो उस तरीके से आपको रॉक क्लाइम करके जाना पड़ेगा. वहाँ पर स्टेयर्स नहीं है और वो क्लाइम भी मैंने 2 बार किया हुआ है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लाइम है वो मज़ा आता है. और अगर बारिश के टाइम पे करेंगे तो काफ़ी स्लिपरी हो जाते हैं बहुत ध्यान से करना पड़ता है स्लिप किए तो मुश्किल ऊपर जाने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है ना कि नीचे रहने की संभावनाएं. Nice piece of and a wonderful piece of information, guys. That's the reason, you know, you got to travel. That's the key to it. You know, the more you travel, the more you get to know about places. Jitna aap travel karoge na, utna aapke grey matter mein cheeze jayengi aur utna aap bata sakoge. That's the reason this guy has been traveling a lot. That's the reason he knows such things. And it's quite good to have such people around, you know, when they know certain information. ना कि कुछ लोग ऐसे जो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ऑफिस जाते हैं सैटरडे संडे पार्टी करते हैं और सो जाते हैं. आजकल हम लोग भी वही कर रहे हैं. अनसेंसर्ड है गाइस ये सब चीजें फैलाना मत लोगों को क्योंकि हो सकता है कॉपीराइट क्लेम दे सकते हैं लोग ये बोल के कि नहीं हमारे लाइफ में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो. सो विद दैट सेड गाइस आई वुड लाइक टू पॉज द वीडियो हियर एंड ऊपर जाके और कैप्चर्स होने वाले हैं और ऊपर जाके वो मोमेंट आने वाला है जहाँ पे हम लोग पहुंचने वाले हैं. सो लेट्स सी इफ वी रीच इफ वी आर एबल टू रीच गुड सी ऑन टॉप एब्सोल्युटली सी ऑन टॉप. I'm not sure if it's visible to you, but वहाँ हमारा destination है और हम लोग almost पहुँच चुके हैं. So it's better that we take the capture from there. Yeah. तो इसका क्या clear नहीं आ रहा है. और शायद रखें इतने अच्छे कैमरे कि हमको लगता है यहाँ से clear shot मिल जाएगा. Absolutely, absolutely. पर you got the point. अभी तक technology वहाँ पहुँची नहीं. The correct technology is this, not that the that you're looking at. The best camera that you have. 250 megapixel if I'm not wrong. Let's go and see. वहाँ पे जाके और क्या शूट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. सो व्हाट आई थिंक इज एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू हैव मोर पावर देन यू कुड एवर इमेजिन. सो यू हैव नो जस्टिफाइबल रीजन टू गिव अप. पीपल माइट ट्राई टू टॉक यू आउट परस्यूइंग योर गोल्स एंड ड्रीम्स. दे'ल टेल यू व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश इज आउट ऑफ योर रीच बट यू नो दैट यू हैव अ हायर पर्पस राइट. यू नो योर पोटेंशियल एंड द ग्रेट थिंग्स यू आर केपेबल ऑफ. So use the naysayers as your inspiration and keep pushing them ahead. Please wait for the next vlog, guys. Please wait कीजिएगा हमारा next vlog आने के लिए. ये बहुत ही जल्दी release होने वाला है. And thank you so much for your appreciation in the first vlog. Second vlog goes this way and the third vlog will be soon. With that said, guys, thank you so much for watching. Keep subscribing, keep liking, and keep spreading the love everywhere. Because you know, happiness is the only medicine that we have got. Thank you.